हम लोगों को जून का रीडिंग दीजिए, हमको फरवरी का रीडिंग दीजिए, ये रीडिंग में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस का अमाउंट आप लोग चार में डिवाइड कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। मैं हूँ भास्कर लिंगम। हम लगातार अडानी के जो बढ़ती बिल की समस्या है, लोगों की बढ़ती बिल की समस्या है, जो हर एक बिजली कंपनी ने लोगों को भेजा है, उस विषय में लगातार हम लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। और हाल ही में हमने जो एक न्यूज़ चलाया था उसमें रवि नायर जी जो मीडिया कंसल्टेंट है उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी लोगों को दी थी इस बढ़ती बिल की समस्या पर। और अब हम फिर से कांदिवली में मौजूद है और हमारे साथ है रवि नायर जी जो मीडिया कंसल्टेंट है। और जो बढ़ती बिल की जो समस्या है इस विषय में इसके ऑल्टरनेटिव क्या है, इस विषय में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे रवि नायर जी से। स्वागत है सर आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे, जो बढ़ती बिल की जो समस्या है उससे लोग वैसे ही परेशान है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी थी पिछले बार हमारे चैनल पर, हमारे दैनिक कैप्चर न्यूज़ के माध्यम से, तो अभी इसका ऑल्टरनेटिव क्या है सर? फर्स्ट थैंक यू लिंगम एंड थैंक यू दैनिक कैप्चर न्यूज़ फॉर मेकिंग एन इशू अबाउट इट, मेकिंग अ बिग कैंपेन आउट ऑफ इट एंड प्रॉब्ली हेल्पिंग द जनरल पीपल बाय ऑलमोस्ट टेकिंग द कैंपेन अप टू 80-90%। देखिए, ये जो लड़ाई था या जो इशू था वो तकरीबन मेरे ख्याल से एक 3 हफ्ते पहले शुरू हुआ था, तकरीबन जून लास्ट वीक में। पहले बार मेरे को जो मुझे जो बिल आता है 7,120 का, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मिस्टेक हो सकता है, गलती हो गया है करके। बट जब मैं काफ़ी लोगों से बात किया, जब मुझे पता चला कि काफ़ी लोगों को 18,000, 19,000, 20,000 का बिल आ रहा है, तब मैंने सोचा कि एक वॉइस ओवर मैसेज करें और ये वॉइस ओवर मैसेज को मैं इतना वायरल करूं कि ताकि पता तो चले कि किसका प्रॉब्लम है करके। और शुरुआत इस बात से हुआ कि मैंने वो वॉइस ओवर वायरल किया तो तकरीबन 5,200 आदमी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, उसमें से तकरीबन 80% जो कंप्लेंट्स आया था वो अडानी की तरफ से थे और तकरीबन 7-8% वॉज MSEB और 7-8% वॉज टाटास। नाउ इससे एक पता चला कि द बिगर क्राइम और जो सबसे बड़ा गलती है वो जो अडानी का था, जो 80% लोगों ने इसका कंप्लेन करके मेरे से जो बात किया और उसमें से तकरीबन अराउंड 46% लोग जो थे वो रिटायर्ड लोग थे जिनका पेंशन या इनका जो इनकम है वो तकरीबन 15,000-16,000 का है, जिनको बिल आया है 12,000 का, वो टेररिस्ट फील कर रहे थे। उनको ऐसा लगा कि अभी ये बिल भरना है, बिल नहीं भरेंगे तो उनको उनका घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में मैटर आगे बढ़ाए, तो काफ़ी मैंने लेटर्स अडानी के ऑफिशियल्स को लिखे। पहला जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट था वो मिले, फिर बाद में ठीक ठाक मैनेजमेंट वाले मिले, फिर उसके बाद जो लास्ट मीटिंग हुआ तकरीबन 4 दिन पहले, मुझे एक बात पता चला कि इन लोगों को कुछ भी बोलने से ये तो क्लियर थे कि हम लोग 24 घंटा घर पे रिया तो हम लोगों ने इतना वापरा है कि हमारा बिल जो 2,000-3,000 आना था वो 18,000, 19,000, 20,000 आने लगा। बात मेरा 7,000 का नहीं था, बात काफ़ी लोगों का, जिसका 3,000 का जो बिल आता है वो बिल आ रहा है 14,000 का, जिसका 4,000 का बिल आ रहा है 24,000, जिसका 8,000 का बिल है वो आ रहा है तकरीबन 35,000, 40,000। सबसे शॉकिंग था कि 8,000 बिल आने वाला दिंडोशी में 2-बेडरूम ऑल किचन फ्लैट का, उसका बिल आ रहा है 64,000 रुपीस। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बिल के जो विषय में आप लगातार लड़ रहे हो, तो आप इसका कंक्लूजन क्या है, इसका क्या सलूशन, अल्टीमेट सलूशन क्या है इसका, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सिंपल सर, इसका कंक्लूजन एक ही है, हम लोगों को जून का रीडिंग दीजिए, हमको फरवरी का रीडिंग दीजिए, ये रीडिंग में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस का अमाउंट आप लोग चार में डिवाइड कीजिए, चार बिल्स बनाइए, हर एक बिल में हमको एक एक बिल का माइनस व्हीलिंग चार्जेस, माइनस FAC, ऐसा जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चार्जेस है वो सब डिस्काउंट करके हमको जो बिल देंगे, हम लोग वो बिल आपको 15 दिन में हम लोग भर देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। और ये हमारा 25 लाख लोग, जिसमें से जितने भी लोग हैं जिसको ये बिल से प्रॉब्लम है वो करने के लिए तैयार है। मगर साथ में मेरा एक और इच्छा है, जो गवर्नमेंट और मर्क की तरफ से आप लोग 1 to 100 और 100 से लेके 300 तक का जो यूनिट का कॉस्ट है उसको ज़रा बदल के, ये सिर्फ ये कोविड सीज़न जब तक, समझो कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब तक भी चलना है, आप उसके ऊपर 2-3 चीज़, एक
FSC माइनस कीजिए, व्हीलिंग चार्जेस माइनस कीजिए, जो आपका जो इनकम है जो एरिया है उसको डिलीट कीजिए, और 100 to 100 जो है उसको 100 to 300, क्योंकि 90% ऑफ द पीपल हु आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन मुंबई आर यूजिंग इट बिलो 300, तो ताकि उनको लोअर स्लैब का बेनिफिट मिले और उनका जो बिल का जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, और हम लोग सुखी सुखी आपको आके बिल दे देंगे, हमको 15 दिन का मोहलत दीजिए। ये 25 लाख लोगों का, जितने भी लोगों का बिल में जो गड़बड़ हुआ है वो लोग सब आपको खुशी खुशी आके आपका बिल भर देंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया। एक और बात बताना है कि आगे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जब तक ये कोविड चलेगा यही सिस्टम फॉलो किया जाए, ताकि हम लोग आपके पास आपके ऑफिस में आके लड़ाई झगड़ा ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ रवि नायर सर, जिन्होंने बहुत अच्छा डिटेल दिया, अच्छी जानकारी दी अडानी के जो बढ़ते बिल की समस्या और बाकी जो बिजली बिल कंपनियाँ हैं जिन्होंने लोगों को उपभोक्ताओं को ज़्यादा बिल भेजा है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नितिन के साथ मैं भास्कर लिंगम, दैनिक कैप्चर न्यूज़।